जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को साफ करते जा रहे हैं। भाजपा अपनी हिंदूवादी छवि के नजदीक होती जा रही है, तो कांग्रेस मुसलमानों को रिझाने के लिए हर दिन नए नए विवादित बयान देकर आलोचना का शिकार हो रही है। चुनाव में कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी की पहचान ही हो जाती है। राम मंदिर का मुद्दा इनमें से एक है। पिछले कितने वर्षों में राम मंदिर भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है। इसी मुद्दे के कारण कट्टर हिंदू भाजपा का समर्थन करती रही है। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का निर्माण कराएगी। वैसे तो 2014 में जनता ने कांग्रेस के हर दिन नए घोटालों से उबकर भाजपा का समर्थन किया था, पर ये भी सच है कि मोदी को इतना प्रचंड बहुमत राम मंदिर के कारण ही मिला। जनता को ये विश्वास था कि अगर मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जरूर कराएंगे। अब जबकि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उलझा है, तो भाजपा ने फिर से राम मंदिर बनाने का अपना संकल्प दोहराया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष की ओर से किए गए इस वादे के बाद से एक बार फिर से अयोध्या विवाद मामला गरमाना तय है। इसके पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। कुछ दिन और धैर्य रखें। उनकी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर जल्द ही सुनवाई हो। निश्चित रूप से भाजपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा दिया गया बयान ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भी भाजपा विकास रोजगार के साथ साथ हिंदुत्व मुद्दे को भी सुनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस की भी रणनीति साफ है कि वे अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाह रहे। तभी तो उनके नेता भाजपा के प्रति आक्रामक होकर विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो ना पूरी तरह हिंदुओं को रिझा पा रही है और ना मुसलमानों को, क्योंकि भाजपा के द्वारा तीन तलाक और हलाला पर विरोध के कारण मुस्लिम महिलाएं भाजपा के करीब होती जा रही है। 2019 चुनाव की दृष्टि से राम मंदिर मुद्दा फिर से काफी अहम होने जा रहा है। भाजपा फिर से राम मंदिर रूपी अपने तुरुप के इक्के पर इस्तेमाल कर रही है। अगर भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्री गणेश भी कर देती है तो ये मोदी को पूर्ण बहुमत दिलाने और महागठबंधन को हराने के लिए काफी होगा।